अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वेइंग के एक और वीडियो में वेलकम। लास्ट टाइम हमने लेंटल बीम की क्वांटिटी फाइंड आउट की थी। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको इस ट्रेनिंग में मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए, वीडियोस चाहिए, एक्सेल फाइल चाहिए और वीडियोस मुकम्मल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसकी मैं थोड़ी सी फ़ीस चार्ज करूँगा। अच्छा, फ्लोर बीम की अब हम असल में हम कर रहे थे सिविल वर्क कंप्लीट, मेजरमेंट शीट बना रहे थे। ये तमाम काम हम एक्सेल और ऑटोकैड कर रहे हैं। तो ये जो जितना भी काम है ये ग्रिड सिस्टम से मैं तमाम ड्राइंग से क्वांटिटीज यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो अब हमने निकालनी है फ्लोर बीम और स्टेयर बीम की क्वान्टिटी, किसकी, कंक्रीट की। तो उसके लिए मैंने जाता हूँ मैं इसकी ड्राइंग में। अगर आप वीडियोस कंप्लीट सीरीज देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा और चीज़ें समझना आपके लिए आसान होगा। अच्छा, इस बिल्डिंग में मेरे पास जो बैक साइड वाले एरिया था, रूम्स थे, वहाँ पे मेरे पास लेंटल बीम था, लेकिन जो मेरे पास फ्रंट है, जो वरांडा है, वहाँ पे मेरे पास जो है वो फ्लोर बीम्स हैं। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ, सॉरी, ये मेरे पास ग्रेड वन डी से ही SB1 का मतलब है स्टेयर बीम। यहाँ पे भी एक बीम डर रहा है, मैं इस जगह को हैच भी कर लेता हूँ बल्कि, ताकि मुझे पता चल सके या आगे जब वर्किंग ड्राइंग्स जिसके पास जाएंगी साइट पे तो उसको भी पता चल जाए कि ये जो है स्टेयर बीम है यहाँ पे। उसके साथ हम देख लेते हैं SB1। तो SB1 था जो वो था स्टेयर बीम। तो SB1, अच्छा, इसकी क्वांटिटी हमने लेनी है यहाँ से कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये डर रहा है लैंडिंग के नीचे। 11 फुट 6 इंच आ गई, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो सेक्शन है, सेक्शन इसका मेरे पास यही इसका सेक्शन चलेगा, ये तकरीबन 1 फुट 6 इंच और 9 इंच। इसमें जो इसकी थिकनेस है बीम की वो 9 इंच है और 1 फुट जो है वो लटक है इसकी, मतलब उससे नीचे लैंडिंग से। फिर ग्रिड 2 D से E B2, फिर ये ग्रिड 2 का मतलब है ये ग्रिड 2, ये वाला बीम, ठीक है, ये वाला B2 11 फुट 6 इंच, B2 ये 6 इंच, ये छत में है 6 इंच और 1 फुट नीचे है, तो इसका भी सेम आ जाएगा 11 फुट 6, बाकी सेम इसी तरह। ग्रिड 3 A से H B1, ग्रिड 3 का मतलब है ये वाला ग्रिड और A से लेके H तक का मतलब है H तक, बल्कि ये कंप्लीट हमने ले लिया, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट फाइंड आउट कर लेते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो 112 फुट 9 इंच आ गया, ठीक है, बाकी विड्थ और डेप्थ सेम है। आगे ग्रिड 4 D से E B1, ग्रिड 4 D से E, डी मतलब ये ग्रिड और ई, तो ये मेरे पास बन जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। B1 जो है वो भी मेरे पास साइज उसका भी सेम है, सिर्फ अंदर से जो रीइंफोर्समेंट है वो चेंज हो रहा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा डाली है, बाकी सेम साइज है। 11 फुट 6 इंच हो गया। आगे ABGH 2 से 3, ABGH, ये वाला जो ग्रिड है ना, ये सारे चारों सेम है, तो 4 नंबर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 6 फिट। तो ये ABGH 2 से 3, B1, 4 नंबर आ गए, 4 बीम है ना, क्योंकि एक ये दूसरा और 2 इस तरफ है, 4 हो गए। तो लेंथ जो है वो 6 होगी और बाकी जो विड्थ है और डेप्थ है वो हमने सेम इसी तरह, बाकी ग्रिड 4 D E 2 से 4, ग्रिड 4 ये 4 है, डी से मतलब डी से ई तक का मतलब है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ग्रिड 4 DE, अच्छा ग्रिड DE 2 से 4, ग्रिड DE, ये मेरे पास ये DE 2 से 4, अच्छा ये वाला भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक,
ये अंदर तक, अंदर अंदर से लेना है ना हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फुट 3 इंच। ये हमने इसको बल्कि हम ये यहाँ तक तो कॉलम है, और इसको यहाँ से यहाँ तक हम लेते 11 फिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी कंप्लीट क्वांटिटी। तो इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और एंड में हमने इन सब को सम कर लिया। तो ये मेरे पास अब इसकी जो है आगे 145, और फिर मैंने लेंटल बीम और फ्लोर बीम दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 385। इन दोनों के मैंने लेंटल बीम और फ्लोर बीम दोनों को मैंने कर लिया इकट्ठा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चीज़ अगर कोई नहीं समझ आती तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।